नमस्कार। मेष राशि पर जून के महीने में क्या फल होगा उसकी चर्चा करेंगे और आपको तारीखें भी बताएंगे, कौन सी तारीख आपके लिए अच्छी रहने वाली है और कौन सी खराब, किन किन तारीखों में से आपको सचेत रहना चाहिए, उसको बोलते हैं अलर्ट डेट। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने ये कहा है, आप कमेंट्स में देखेंगे कि अलर्ट डेट जरूर बताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का कहना मानता हूं मैं, क्योंकि सभी लोगों की बात मानना तो और सभी शर्तें बहुत मुश्किल होता है। वैसे त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, मनुष्य का भाग्य प्राणियों का भाग्य जानना ब्रह्मा भी नहीं बता सकते, मनुष्य की तो क्या औकात है, लेकिन सिर्फ छोटी सी कोशिश करते हैं वर्तमान समय पर कौन से गोचर ग्रह हैं, आपको थोड़ा सा एक जागृति मिल जाती है और कुछ लोग इस बात को थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमें बचना है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में, लेकिन मैं सिर्फ एक सूचना दूंगा कि इंस्टाग्राम पर कोई व्यक्ति हमारे वीडियो पर अपना नाम लिख करके इंस्टाग्राम में फ्रॉड और पैसा कमा रहा है, लोगों से ठग रहा है किसी को, तो प्लीज बी केयरफुल। और ऐसे आदमी को जो पढ़े लिखे आप लोग, हम लोग मोबाइल की नॉलेज नहीं रखते, लेकिन आप अगर हमारी हेल्प कर सकते हैं तो अच्छा है, उसको रिपोर्ट करो और हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि पर इस समय कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, छठा स्थान रोग ऋण रिपु शत्रु और कमर के अंदर, कमर का मतलब बैक साइड में या पीठ में या शरीर का जो बैक हिस्सा है, पिछला हिस्सा। देखिए राहु सन्मुख और केतु पूंछ यानी के बैक साइड है, पीठ पीछे के रोग होते हैं, किसी कमर में बैक साइड में रोग होता है। कुछ ऐसे रोग हैं जिनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं, खास तौर से इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई समस्या या पाइल्स की और भी कई रोग हैं, लेकिन अब आपको खर्चे से सावधान रहना और ऑनलाइन ठगी या फ्रॉड, अधिक खर्च या अनायास एक ही सड़क पर 10 बार चक्कर लगाना, परेशान है आप, लेकिन आपने सगे इष्ट मित्र बंधु बांधव इनसे आप अपना बना करके रखो, तथा आपकी मैरिज लाइफ में अशांति उत्पन्न करने के लिए मंगल ग्रह का सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि का होना अच्छा फलदायक नहीं कहा जा सकता, सिर्फ 12 जुलाई तक, उसके बाद सामान्य स्थिति रहेगी। फिर भी पैरों में दर्द, कष्ट, नेत्र पीड़ा तथा पैर में चोट लगना, वाहन सावधानी से चलाना ज्यादा जरूरी है। और हम आपको ये कहेंगे कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमें फोन ना करें, या एक जो YouTube है, एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग अपने घर की बात उसमें लिखते हैं। मैं अपनी बहनों से, बच्चों से, परिवार जो एडल्ट हैं, समझदार हैं, अपने घर की बातें, पति से झगड़ा है या पुरुष है तो पत्नी से झगड़ा है, अपने घर की बात बाहर मत लाओ, कोई फायदा नहीं है। और मेरे से एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बोलता मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कुछ लोगों के मन में से भ्रम निकालना चाहता हूं
एक दो लोग ये लिखते हैं, मैं लाइक नहीं करूंगा या करूंगी, बहुत अंधेरे में हो आप, मुझे किसी के लाइक और डिसलाइक, सब्सक्राइब या शेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आज तक किसी से निवेदन ही नहीं किया। शुरू शुरू में एक दो बार लोगों ने मुझे कहा आप बोला करो इसमें ऐसा कि मेरे वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं बिल्कुल, जिसको आवश्यकता हो, पढ़े लिखे लोग हैं आप, मेरी बातें अच्छी लगेगी तो आप स्वयं मुझे, 3.5 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पुरस्कार दिया उन्होंने। अच्छा मेन चीज क्या है, हम लोग सज्जनता से बात करते हैं सबसे। शेख चिल्ली ने अपनी माँ से एक दिन कहा कि माँ मुझे सब बेवकूफ समझते हैं, बात क्या है? बोला बेटे तेरी गलती नहीं है, तेरी शक्ल ही ऐसी है, यानी कि मेरा बिहेवियर पैटर्न, बातचीत करने का तरीका बड़ा साधारण है, यहाँ बनावट दिखावट सजावट ये सब नहीं है, और दोज पीपल हु आर वेल क्वालिफाइड दे नोज वेरी वेल। बहुत पढ़े लिखे लोग हमारी बात को समझते हैं, और जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो वो जरूर समझते हैं इस बात को। तो आइए हम ये बताना चाहते हैं कि मेष राशि के लिए अलर्ट डेट क्या है। 9, 10, 11 जून बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाला ग्रह रहेगा। इसके बाद 19, 20 और 21 जून सुख में बाधा, पैरों में कष्ट, पेट में गड़बड़ या नाभि से नीचे के रोग, पेट के अंदर इंडाइजेशन के साथ साथ मनोवृत्ति अच्छी नहीं, मन में निराशा, अशांत मन, इनसिक्योरिटी, इमोशनल होना, सेंटिमेंटल, बिना बात किसी ने कुछ कहा निराशा हो जाना, ये 19, 20, 21 को रहेगा। तो कोई ऐसे समय पर जब इस टाइप का कोई काम करना चाहते हैं तो जहां ये संभावना हो तो अवॉइड कर सकते हैं आप सिचुएशन को देख करके। और 28, 29 ये जो जून है ये दोनों अच्छी नहीं है मेष राशि के लिए, और उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनकी कुंडली में चंद्र राशि, चंद्रमा मेष राशि में है, अर्थात अश्विनी भरणी और कृतिका नक्षत्र के अलावा और कोई नक्षत्र नहीं है। तो बड़े स्पष्ट बात हो चुकी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है किसी को, चंद्र राशि से देखें या जन्म राशि से देखें या लगन से देखें, साफ साफ एकदम क्लियर है अश्विनी भरणी और कृतिका, और कृतिका नक्षत्र के भी सिर्फ पहला चरण जिसमें अशब्द की व्याख्या की गई है, कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण। तो मैंने ये आपको बताया, और साथ साथ आपके लिए लाभ स्थान में जो शनि है वो निरंतर लाभ देने का काम करेगा, साथ साथ आपका जो बृहस्पति है उदय हो चुका है, जो अस्त था अब धन कुटुंब वाणी स्थान में आपके लिए धन की वर्षा, सुंदर शब्द आपके मुखारविंद से निकलेंगे, तथा मेष राशि को कुंठित व्यथित पीड़ित मन को टॉर्चर करने वाला ग्रह भी दृष्टि डाल रहा है। परंतु जब स्वामी साथ में हो, मंगल आ चुका है 12 जुलाई तक, इतनी सुरक्षित, देखिए मंगल क्या करता है, अपनी राशि को पल्लवित पुष्पित पोषित और सिंचित और रक्षित, हर प्रकार से सुरक्षा करता है, ठीक इसी प्रकार और राशियों का भी यही हाल होता है कि जिस राशि को जिसका स्वामी देखता है गोचर में या जन्म लगन में वो उसका वृद्धि करता है, तस्य वृद्धि स्यात्। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।